ये ठंड का मौसम, बच्चों ने खाना खाया नहीं था दो तीन दिन से, उसने दूध पिला दिया। रात को उसको सूचना मिल जाके हाजी साहब को दी कि देखे वहाँ उनको उनको रात को दूध भी पिलाया गया। वो उनके घर से उस मोतीलाल मेहरा जी को पकड़ लाए और उसके कहा, उसके पीछे उसकी औरत बेचारी अपने छोटे से बच्चे को जो दूध पी रहा था वो उसको भी अपने साथ ले गए। तो बाद में उन्होंने उसको कहा कि भाई तुमने दूध पिलाया? उसने कहा हाँ पिलाया। उसने कहा भाई ठीक है, ये कौन है? कहीं ये हमारी श्रीमती है, ये हमारा बच्चा। कहीं ठीक, इसको भी कोल्हू के कोल्हू में पिलवा पिला दिया। उसी में कैसे स्थिति, अब आप अंदाजा कल्पना कीजिए छोटे छोटे बच्चे को उसकी क्या स्थिति हुई। मगर फिर भी चूंकि गुरुओं के दोनों बच्चे, फिर बड़े गुरु गोविंद सिंह जी के जो दो बच्चे थे वो तो शहीद हो गए। धर्म की स्थिति थी, क्योंकि हम लोग संगठित नहीं थे। हमारे कोई तो कारण होगा कि हम लोगों से मार खा रहे हैं, हम कमजोर हो रहे हैं, कारण होगा। कारण हमारे समाज के अंदर कुरीतियां थी, और आज उसी एक कुरीति का अभी भी आज भी स्थिति है अपने बीच के अंदर, छोटे छोटे गांव के अंदर। लोग कह देते हैं कि ये अनपढ़ है, ये कमजोर है, बहाना है, मगर इससे क्या था कि उसके ऊपर बच्चे के ऊपर जो कमा के लाया वो तो सारी वहीं गंवाया। बाल बच्चों को भी तो रोटी पानी चाहिए, उनको भी तो साधन चाहिए। हमारे बीच के अंदर कुछ कुरीतियां भी हैं जो शुरू से आज तक चली आ रही है। मैं अभी पंजाब का, चूंकि भाई साहब ने भी एक उदाहरण दिया, अभी थोड़े कुछ समय दो तीन साल पहले मैं पंजाब गया था। एक छोटा मेरा चूंकि गांव है, तीन चार घर छोड़ के दारू पी के आ जाता था। अब चूंकि लकड़ी के दरवाजे हैं पुराने टूट के पड़े हुए, आके माँ धक्का देना, कुंडी खोलना जोर जोर से, ओ संता सिंह जी खोलो जल्दी जल्दी खोलो, और गालियां भी देनी क्योंकि अंदर गई। और वो अंदर से जो थी माँ बैठी थी सामने, छोटा भाई को वो गालियां देने लग गया। बूढ़ी माँ धीरे से आई, उसने उसको थोड़ा कहा कि भाई तुम घर के अंदर गाली गलौज क्यों कर रहे हो, काहे के लिए झगड़ा कर रहे हो? और उसने उसको थोड़ा सा धक्का दिया तो माँ ने एक थप्पड़ मार दिया। जैसे ही थप्पड़ मार दिया, क्योंकि लंबे चौड़े थी, माँ भी पंजाब में तगड़ी थी, उम्र भी ज्यादा थी, क्योंकि शादी विवाह में सरदारों के यहाँ तो सभी किया कृपाण अर्पाण कुछ न कुछ टंगी रहती है। माँ मार दी, माँ मार दी, चारों तरह से गाँव से छोटे छोटे होते थे। अब उस वो इसकी उतर गई। अब तब तक उसका जो भाई आ गया, भाई को गले लग गया, कह रहे मेरे भाई मैंने माँ मार डाली, मैंने बार अपनी छाती पीटने लग गया, मैं ये करने लग गया। उसका सारा नशा उतर गया, कहाँ चला गया नशा उसका। अब वो सामने माँ, अब जो हो गया वो सरदारों में ज्यादातर यही स्थितियां हैं कि जो कर डालते हैं फिर बाद में विचार करते हैं, जबकि स्थिति ये है कि अच्छे लोग भी हैं पंजाब में। अगर अच्छे लोग ना होते तो आज हमारे बीच के अंदर शहादत के जाम ना भी पिए होते। मैंने अभी आपके सामने बताया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पे जब उनके चारों पुत्र जब चुना दिए गए, दो शहीद हो गए, दो दीवारों में चिन्ह गए, तो वो नांदेड़ महाराष्ट्र के उसमें गए, वहाँ वीर बंदा बैरागी से मिले। उन्होंने कहा यहाँ तपस्या कर रहे हो, वहाँ सब सारा सारा समाज, निकलो यहाँ से और समाज को संभालो। तब उसने आके यही सरहंद की दीवारों में उसके अंदर वजीर खां को ललकारा कि तुमने इन बच्चों को, इनके ऊपर जुल्म नहीं, कोई लेना देना नहीं, मगर मिश्रा जी ने एक ऐसा कड़ी का काम किया, भगवान का काम किया, हम आपको जोड़ने का काम किया, समाज को जोड़े हम लोग। इस तरह समाज के अंदर अच्छे भी लोग हैं, मगर जो रोने वालों को आप इतना अच्छा सरकार मकान भी बना के दे दे, सड़कें भी बना दे, रोड भी बना दे, मंदिर भी बना दे, ये भी बना दे, तब भी वो रोते रहेंगे। इतिहास के अंदर जिक्र आता है हुमायूं से लेके, बाबर से लेके, अकबर से लेके, औरंगजेब से लेके, लास्ट बहादुर शाह जफर तक कितने मुगलिया सल्तनत थी, उन्होंने कितने किले बनाए, ताजमहल बनाए, मगर सब कुछ, मगर जब आप लास्ट में देखिए तो बहादुर शाह जफर जो आखिरी बादशाह मुगल बादशाह रहा, वो भी अपने एक किसी कलाम में एक शेर पढ़ता है, आपने सुना होगा, कितना है बदनसीब जफर दो गज जमीन मिली कूचे यार में। जब वो मर गया तो उसने कहा था कि मुझे दफनाने के लिए दो थोड़ी सी जगह मिले। तो जो व्यक्ति रो रहा है, जो पढ़ रहा है, वो
ना छुकरा ही रहेगा। वो कभी अपने तचलित, अरे हमें याद हो रहा कि जब हम लोग जब पढ़ते थे तो यही देखा करते कि भाई हमको 17 नंबर तो मिल जाएंगे तो हम पास हो गए, 17 से कम हो गए तब तो कोई बात नहीं, तो 100 से लेके 17 तक का कितना मार्जिन, उसके बाद भी अगर हम करें हम दोष दें दुनिया को, वही स्थिति वही हुई कि नहीं है, ये एक सामाजिक एजेंडा मानिए इसको, और ये एक व्यक्ति के घर में कोई ना कोई व्यक्ति नशा जरूर करता है, तो हमको ये कसम खानी है कि अपने यहाँ जो भी नशा करता है उसको समझाने की जरूरत है, उसको मनाने की जरूरत है, ताकि आपका परिवार सुरक्षित रह सके, आपके बच्चे सुरक्षित रह सके, आपके बच्चे अच्छी। नशा मुक्त अभियान की चर्चा तो सब लोग करते हैं, लेकिन इस अभियान को किसी ने गहराई से अगर छुआ और इस अभियान में समाज के साथ बहुत ही संघर्षशील तरीके से कोई जुड़ा तो कौशल किशोर जी हैं। मुझे याद है कि इसी नशे से ही, शराब पीने से हमारे केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी के पुत्र की मृत्यु हुई थी, और जिस समय मैं भी वहीं पे था, हम लोगों के दिमाग में यही चल रहा था कि ये कितना बड़ा कष्ट उनके सर पे आया है, पूरा परिवार बहुत पीड़ित। किंतु सांसद जी के, मंत्री जी के दिमाग में कुछ और चल रहा था, वो सोच रहे थे कि मेरा बेटा मेरे लाख समझाने के बाद नशा नहीं छूटा और आज उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन अब वो प्रयास करेंगे कि किसी दूसरे के बेट का बेटा इस तरीके शराब से उसकी मृत्यु ना हो, वो इस तरीके का अभियान चलाएंगे। कहना बड़ा आसान होता है, किंतु जब कष्ट आता है, महान व्यक्ति वो है जो कितने भी संकट में हो लेकिन समाज के विषय में सोचे, दूसरे परिवारों के विषय में सोचे, दूसरे के बच्चों के विषय में सोचे। मुझे लगता है कि सांसद जी ने उस समय, उनके दिमाग में वही चल रहा था, और मृत्यु के तुरंत बाद जिस दिन 13वीं होती है उस दिन से ही उन्होंने उस अभियान की शुरुआत कर दी कि अब वो समाज के बीच में इस नशे के खिलाफ एक लड़ाई लड़ेंगे, और ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक समाज नशे से मुक्त नहीं हो जाता। अभी के अवस्थी जी कह रहे थे कि सांसद जी यहाँ पे नहीं है, वो गुजरात में। मुझे लगता है कि अभी क्षेत्र के कार्यक्रमों में हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि ये दो लखनऊ के अंदर हैं तो उनको हम लोग बुलाएं, लेकिन ये दो लखनऊ में नहीं हैं और पूरे देश के भ्रमण में इस अभियान को आगे चला रहे हैं, तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस अभियान को हम लोग अपने कंधे पर उठा करके चलाएं, मंत्री जी के को बिल्कुल भी इस बात का कष्ट न दें। चूँकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक, आसाम, अरुणाचल, सिक्किम, मेघालय, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां सांसद जी इस अभियान को लेकर ना गए हों, मंत्री जी इस अभियान को लेकर ना गए हों। एक बहुत बड़ा अभियान है और मुझे लगता है कि दिनों दिन जितने समाजसेवी हैं, फिल्म जगत के लोग हैं, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोग हैं, वो इस अभियान से जुड़ते जा रहे हैं। अब हम लोगों का दायित्व तो बनता है कि हमारे क्षेत्र का सांसद, हमारे क्षेत्र का मंत्री, जिसने पूरे देश को इस अभियान से जोड़ रखा है कि वो नशा मुक्त अभियान चला करके हर परिवार को नशे से मुक्त रखेंगे,
तो हम लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि कम से कम अपने क्षेत्र के अंदर अपने क्षेत्र के नशा मुक्त करने की जिम्मेदारी हम लोग स्वयं उठाए। निश्चित तौर पे ये एक ऐसा अभियान है जिसमें तरह तरह की बातें आएंगी। बहुत से लोग इस अभियान से जुड़ते हैं लेकिन समय के साथ पता नहीं क्या है कि वो शाम आते आते उनकी सबर टूट जाया करती है, लेकिन कोई बात नहीं, इससे विचलित होने की बात नहीं है। जब भी आप एक कोई बड़ा संकल्प लेकर के आप अपने कंधे पे इतना बड़ा बोझा उठा के चलेंगे तो बहुत सी विपरीत परिस्थितियां आती हैं। अपने परिवार के बच्चे, अपने जान पहचान के लोगों के बीच हम नशा दूर करने का प्रयास करेंगे। ऐसे सामने रखेंगे सब लोग। हाँ, और मैं के बाद नाम हर व्यक्ति अपना लेगा। शपथ लेता हूं कि अपने मोहल्ले, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश सबको नशा मुक्त रखूंगा और ना ही खुद नशा लूंगा और ना ही नशा करने दूंगा। हम ये भी शपथ लेते हैं कि हम अपने मोहल्ले, अपने स्कूल, अपने घर परिवार में भी किसी को नशा लेने के लिए मना करेंगे और